नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर को लेकर आ गई है बड़ी खुशखबरी। फिटमेंट फैक्टर में होने जा रही है ज़बरदस्त बढ़ोतरी। 3 गुना होने पर कितनी होगी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी? तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में कितनी बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, साल 2016 में केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में बम्पर इजाफा हुआ। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग इसी साल लागू किया गया। 7वां वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया। फिटमेंट फैक्टर की वजह से केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी सीधे 6000 से बढ़कर 18000 रुपये हो गई। फिटमेंट फैक्टर बेसिक सैलरी का 2.57 गुना तय है, लेकिन डिमांड 3 गुना करने की है। तो यह डिमांड साल 2017 के बाद से ही हो रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। दोस्तों, अगर फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना किया जाता तो केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी 1000 रुपये हो जाएगी। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर का सबसे बड़ा अहम रोल होता है। 7वां वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी का कुल वेतन भत्तों के अलावा बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर से तय होता है। मतलब केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में 2.5 गुना से कैलकुलेट होकर बढ़ाई जाती है। दोस्तों, 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी तय करते समय भत्तों के अलावा जैसे महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करके निकाला जाता है। मान लो कि अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18000 रुपये है तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18000 गुणा में 2.57 46260 रुपये है। अगर फिटमेंट फैक्टर 3 हो जाता है तो उन्हें ज़बरदस्त फायदा होगा। कर्मचारी की लंबे समय से डिमांड है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाए। दोस्तों, बिना भत्तों के जब केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी तय हो जाती है तो इसके बाद तमाम तरह के भत्तों को जोड़ा जाता है, जैसे कि DA, TA, HRA। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA महंगाई से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए होता है। इसे साल में 2 बार बढ़ा जाता है, पहला जनवरी से जून और फिर जुलाई से दिसंबर। दोस्तों, सरकार साल के पहले 6 महीने की महंगाई का औसत निकालती है, जिसमें जनवरी से जून को काउंट किया जाता है। इसके बाद दूसरी 6 माह में महंगाई का औसत निकाला जाता है। इस आधार पर DA में बढ़ोतरी तय की जाती है। DA हमेशा औसत महंगाई से ज़्यादा होता है। फिलहाल जुलाई AICPI इंडेक्स 133.3 अंक पर है, इसलिए अनुमान जताया जा रहा है कि जुलाई 2023 की अवधि के लिए महंगाई भत्ता कम से कम 4% बढ़ाया जा सकता है। DA में बढ़ोतरी के बाद TA इसी आधार पर बढ़ाया जाएगा। DA में बढ़ोतरी TA से लिंक्ड है। इसी तरह HRA भी तय होता है। जब सारे भत्ते कैलकुलेट होते हैं तो केंद्रीय कर्मचारियों की मंथली CTC तैयार होती है। दोस्तों, इसी तरह के भत्ते और सैलरी फाइनल होने पर बात प्रोविडेंट फंड ग्रेजुएटी कंट्रीब्यूशन की होती है। PF और ग्रेजुएटी में बेसिक सैलरी DA के आधार पर कंट्रीब्यूशन तय होता है। इसके बाद सारे भत्ते और कटौतियों CTC से होती है, जब केंद्रीय कर्मचारियों की टेक होम सैलरी बनती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।